Kadai and then Tufan and Baris and अमेजिंग पीपल, कैसे हैं आप? अपने एंजॉय करते रहिए हम और आप। सो आज तो पूरा मतलब बारिश का मौसम हुआ हुआ है बाहर और आप देख ही सकते हैं तो मौसम तो वैसे आपको बाहर दिखेगा नहीं। तो आज है 16th जून, तो 16th जून जो मतलब बारिश वगैरह है जो काफ़ी अच्छी आई है और मैं अभी जस्ट स्कूबी को घुमा के आया हूँ। ये देखो ये यहाँ पे मस्तियाँ कर रहा है हल्का होने के बाद में एकदम ये मतलब मस्ती के मूड में आ जाता है। तू क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा है स्कूबी? हाँ घूम के आ गए ना, घूम के आ गए ना, बारिश आई हुई ना बाहर। हाँ अरे भाई इधर है, अरे भाई, अरे भाई क्या कर रहा है? बाहर घूम के आ गए, ये देखो इसको लेके और अंदर भागेगा ये देखा नहीं जो वो क्या कहते हैं हार्नेस है उसको लेके और ये बेटा मतलब अंदर बाहर ये भाग रहा है कि मतलब मेरे को बाहर क्यों लेके गए इतनी बारिश के अंदर ये देखो ये लेगा और अंदर भागेगा देखा अरे भाई चलो चलो रूम में चलो 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 रूम में चलो ले गुड बॉय करने दे, गुड बॉय गुड बॉय। सो इसके देखो जो मुंह के जो बाल है ये मतलब धीरे धीरे जो है वापस आ रहे हैं। बॉडी के बाल है ये तो मतलब धीरे धीरे आएंगे, बट ये जो मुंह के जो बाल है ये हमने इतने कटवाए नहीं थे ताकि इसका जो शेप है थोड़ा सा मतलब गोल लगे एकदम टेडी बियर जैसा बीपर जॉय बीपर जॉय बीपर जॉय। अभी 2-3 दिन से अभी इतना बीपर जॉय हो रहा है ना। और वैसे मतलब गवर्नमेंट ने एकदम सही किया है, गुजरात के वहाँ पे तट पे जितना भी मतलब वो जो भी रेजिडेंशियल एरिया उसको पूरा खाली कराया है। और हालांकि तूफान तो बहुत बड़ा है, इसको हल्के में नहीं ले सकते वहाँ के हिसाब से, बट अपने जोधपुर में मेरे ख्याल से ऑरेंज जोन अलर्ट है, बट इतना भी मतलब नहीं है। वैसे मतलब बारिश वगैरह तो बहुत कम आ रही है यार, तो पता नहीं क्या है मतलब आपा तो ऑइज हो जाएगी कदे आई आंधी तूफान एंड बारिश एंड। तो हालांकि तूफान को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, अच्छा है मौसम मतलब थोड़ा ठंडा हो जाए अपने को तो यही चाहिए। और मौसम बिल्कुल मतलब अच्छा भी हो चुका है। सो ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं येलो और जो ये खादी वाला है ये कुर्ता है कोई कस्टमर का, तो उनको मतलब जो है कल मॉर्निंग के अंदर जो है वो डिलीवरी होनी है। और ये जो वाइट पड़ा है ये है मतलब चूड़ीदार पजामा है, तो ये कोई कस्टमर ने अभी शेरवानी बनाई थी तो ये हम लोग मतलब बने बनाए ही रखते हैं। जो चूड़ीदार वगैरह जो है ये हम लोग बनाए हुए ही रखते हैं, और जो शेरवानी है वो क्लाइंट ने ली थी तो उसकी फ़ोटो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये फ़ोटो है, ये मतलब वेडिंग डे के अंदर जो है ये शेरवानी जो ये क्लाइंट पहनेंगे। और द बालम्स की जो इंस्टा आईडी यहाँ पे आ रही है उसमें भी ये फोटोज जो है मैं पोस्ट करूँगा। सो आप वहाँ पर भी अपडेट रहिए, पेज को प्लीज़ ज़रूर फॉलो करिए। तो ये जो शर्ट है सुबह कुछ क्लाइंट आए थे तो उन्होंने मतलब अपने लिए जो है वो दो शर्ट लिए सेम टू सेम, ये आप देख सकते हैं डबल एक्सेल और एक्सेल है तो एम और एल की जो साइज़ है वो निकल गई। और ये कपड़ा भी बहुत अच्छा है, ये मतलब रेमंड्स का कपड़ा है। सो मतलब कभी भी कपड़े को जज करना होता है तो आप उसकी उसको मतलब आप हाथ लगा के देखो, उसकी जो स्मूथनेस है उसकी जो फील है वो आप देखो। जैसे एक इसको आप हाथ लगा के देखो, एक जैसे आप जो है इसको आप हाथ लगा के देखो, तो हाथ लगाने से काफ़ी कुछ मतलब चीज़ें जो है वो पता चल जाती है। सो ये दिस इज़ अ रेमंड्स फैब्रिक, हालांकि बनने के बाद में तो आप जज नहीं कर सकते कि ये रेमंड्स का है या नहीं है, बट ब्रांडेड फैब्रिक का जो लुक है वो मतलब अपने आप ही मतलब एक अलग ही उसका करिश्मा होता है, वो अलग ही वो चीज़ दिख जाती है। जैसे ये सारी के सारी जो भी ये वेस्ट जैकेट्स है ये सब मतलब एल साइज़ की और सब ये मतलब ब्रांडेड फैब्रिक है, तो किसी में सियाराम का कोई फैब्रिक है, किसी में रीडन टेलर का है, किसी में रेमंड्स का है, तो हम लोग सिर्फ ओनली ब्रांड्स के ही फैब्रिक का जो है जो रेडी टू वेयर जो स्टॉक है हमारा वो बना करके रखते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो ये सब हो, कुर्ता हो, शेरवानी हो, कुछ भी हो। तो बेचारा ट्राईपॉड ऐसे ही पड़ा है ये ऐसे तो क्या पड़ा है, बालम्स वाले जो वीडियो है उस पर मैं शूट करता हूँ तो उसके अंदर जो है ये ट्राईपॉड का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अभी मैं शूट कर नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं अभी वही है जैसे मतलब टाइम मिलता है, जैसे गैप्स मिलते हैं, और क्योंकि एक्चुअली कंटेंट सोचने के अंदर भी बहुत टाइम लगता है यार। ऑफिस कम स्टोर को कर दिया है क्लोज और अब है भूख बहुत लग रही है यार, अब मतलब खाना खाते हैं। ए क्या कर रहा है, रेस्ट, बॉल से नहीं खेला क्या आज? बॉल से? अरे सो अब खाते हैं ब्रेड और पकोड़े गर्मा गर्म, तो देखते ही मुंह में पानी आता है यार। वही यार रात को ये थोड़ा मतलब हल्का हल्का सही रहता है खाना विद अ सॉस। गुड मॉर्निंग गाइस, सो वही यार रात को मतलब खाना वाना खा लिया था और फिर उसके बाद में मौसम इतना अच्छा था जो छत पे मतलब आराम से बैठा और मतलब बिल्कुल मतलब ठंडक जो थी इतनी अच्छी ठंडक हुई उसे इंजॉय किया और जब तक मतलब रात हो गई फिर सो गए। सो अभी है गुड मॉर्निंग, सो नहा धो के अभी मैं हो गया हूँ फ्रेश और मैं आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ। बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है एकदम मतलब ठंडा ठंडा और बहुत बढ़िया।
देखा आपने वीडियोस के अंदर कितना अच्छा मौसम हो रखा है, पीछे जो फोर्ट वगैरह है, ये जो व्यू है कितना बढ़िया व्यू है, ये देखो मतलब पूरे बादल वगैरह आए हुए हैं, पूरा जोधपुर जो है वो पूरा माउंट आबू बना हुआ है। और ये जो प्लांट्स है इनको भी मतलब सुबह पानी पिलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, नेचुरल वाटर जो है इनके लिए मतलब बेस्ट है। ये देखो आप सारे जो मतलब प्लांट्स है अलग अलग, ये थोड़ा सा मतलब जल गया है, जल तो क्या गया मतलब धूप से थोड़ा सा ये हो गया है, और ये सारे मतलब इस तरह से हुए हुए हैं। पिया क्या? पी लिया। सो अब एक दो कोई काम करने हैं, तो वही यार मैंने कहा एक्टिवा पे तो कैसे जाऊं क्या करूं, क्योंकि बारिश इतनी आ रही है। तो ये हमारे यहाँ का हाईकोर्ट तो क्या मतलब उदय मंदिर वाला एरिया है जो कोर्ट से पावटा तक रोड जाती है। सो ये आ गई है अपनी हाईकोर्ट रोड, यहाँ पे भी मौसम मतलब वैसे तो सही दिख रहा है, काफ़ी अच्छा है, और लाइट्स वगैरह जो है अभी भी जल रही है, आप देख सकते हैं ये देखो लाइट्स जो है वो जल रही है, क्योंकि वही मतलब तूफान वगैरह की वार्निंग है, इसलिए लाइट वगैरह जो है वो जला के रखी है कि भाई दिखे रोड्स वगैरह क्या है, बट तूफान तो जैसा कुछ मतलब लग नहीं रहा है, और मतलब ठीक है। भी जैसे आप मेरे पीछे देखोगे तो ये शेरवानी पड़ी है, ये कोई कस्टमर की शेरवानी है जो मतलब बनने के बाद में जो है ड्राई क्लीन करवाई। एक्चुअली वो जो आप कहोगे कि मतलब जब शेरवानी बनी है तो ड्राई क्लीन की कैसे ज़रूरत पड़ गई तो ज़रूरत ऐसे पड़ गई कि जो ये शेरवानी जो है ये मेरे स्टोर पे करीबन मतलब दिसंबर के अंदर मैंने ये पीस बनाया था, मतलब बिल्कुल ही सिंपल है, तो कुछ पीस मतलब स्टोर के लिए भी मैं बना के रखता हूँ ना, तो वो मतलब बना के रखा था, तो इसीलिए जो है हालांकि कस्टमर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अपन ने जो है ड्राई क्लीन एक तरह से मतलब करवा दी ताकि मतलब सही रहे। तो यही है मतलब कस्टमर का हमेशा से मतलब ध्यान रखना चाहिए। तो हालांकि मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ और आपसे बात भी कर रहा हूँ, ये आ गया है यहाँ पावटा, यहाँ भी इतनी सारी गाड़ियाँ वगैरह पड़ी है यार, पता नहीं क्यों। सो ये पावटा का जो सर्कल है वो आया हुआ है, और बारिश भी काफ़ी अच्छी हुई है, और मतलब ठीक है, मतलब मौसम भी बहुत अच्छा हो गया यार, मतलब एक दो बारिश के बाद में। ये एक पेड़ यहाँ पर गिरा हुआ है, पेड़ है या पता नहीं क्या है, ये देखो, देखा आपने, तो ऐसी चीज़ों से मतलब हमेशा बच के रहना चाहिए, मतलब इसको हल्के में मत लो आप बारिश को या तूफान को। और यहाँ भी देखो ये बोर्ड जो है वो थोड़ा सा उड़ा हुआ सा है, तो ये मतलब क्या कहना चाहिए, मतलब पावटा चौराहा है, पावटा चौराहे से आगे जो चौराहा आता है खेत सिंह जी के बंगले वाला जो है सर्कल वो है। जस्ट आ गए हैं स्टोर पे, और वही मतलब शेरवानी जो ड्राइक्लीन पे लिए जो मैं दी थी, तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये शेरवानी आपको दिख रही है, जैसे एक है, ये दो है, ये तीसरा इंडो वेस्टर्न है, तो ये सारे मतलब पीसेज हैं, तो ये हम लोग सैम्पल पीसेज बना के रखते हैं, हालांकि ये भी सेल आउट के लिए होते हैं, अगर साइज़ आपकी आ जाती है और पीस जैसे पसंद आता है तो मतलब ये भी हम लोग सेल कर देते हैं, तो इन्हें हम ड्राई क्लीन करवाते हैं, क्योंकि जैसे ये इस तरह से पीस रखे हुए होते हैं ना, तो थोड़ा सा मतलब इन पर डस्ट वगैरह लगती है, तो हालाँकि वो सेट हो जाती है, बट ड्राई क्लीन कराना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो इसीलिए जो वो शेरवानी है वो भी हमने ड्राई क्लीन करवाई। जैसे अब ये शेरवानी है तो ज़रूरी नहीं कि ये मतलब इतने टाइम से यहाँ लगी हुई है तो ये मतलब सेल नहीं हुई, हालांकि ये सेम टू सेम डिज़ाइन के लिए होता है कि जैसे कोई दूसरा कपड़ा भी पसंद करता है, जैसे ये गोल्डन है, किसी को मान लो रेड पसंद आ गया, बट उनको पैटर्न ये चाहिए, जैसे इसमें पैच वगैरह जो लगा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरी उंगली है जहाँ पे पैच वगैरह है, तो ये भी मतलब पसंद पे होता है, तो जैसे पसंद कब, जैसे ये इलायची वाली शेरवानी है, इस पर देखो आप जैसे मोटिफ तरह का ही लगाया हुआ है, कॉलर पे थोड़ा सा जो है इस पर हमने मतलब पट्टी लगाई हुई है, तो ये मतलब एक तरह से डिज़ाइन मतलब आपको बताने के लिए स्टोर के अंदर जो है वो हम रखते हैं। हो गई बहुत, और स्टोर के अंदर तो गर्मी लग रही है यार तो अब जो है वो खाना खाते हैं, खाने के अंदर बनी है कढ़ी और पूड़ी। सो कढ़ी और पूड़ी के साथ मिर्ची तली हुई बहुत ही अच्छी लगती है, तो यहाँ पहले पूड़ी बनेगी, ये आप देखो, और ये जो मिर्ची है वो तल चुकी है और जो पूड़ी है वो निकल रही है, सो अब इसे हम लोग खाएंगे। सो अब खाना आ चुका है कड्डी और पूड़ी, मौसम के अंदर कड्डी और पूड़ी का मजा ही कुछ और है। मैं आज आपको कड्डी पूड़ी खाना सिखाता हूँ। सो पूरी एक पूड़ी लो, क्योंकि गर्म होती है और पिचक जाती है, तो बढ़िया इसमें कड्डी में चूर के और भी कड्डी जैसे ले सकते हैं और सीधा अपने मुंह के अंदर। सो मैं लिपसिंग कर रहा हूँ मेरी ही खुद की। सो टेस्ट तो बहुत ही शानदार है, और साथ में ये मिर्ची जो है वो तला ही थी हमने वो। बार, आया, 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 आया। बार, बार, बार। काड़ू, काड़ू। ये देखो ऐसे जाकेगा। कोई नहीं है, कोई नहीं है, तेरे को बेवकूफ बनाया तूने खा लिया क्या खाना? ए इसको भी, इसे देख कर तो मुझे भी नींद आने लगी है
स्कूबी खाना खा लिया तूने? ये भी सो के आया है ना, इसलिए देखो ये यहाँ पे अब इसको नींद आ रही है। हाँ सुन के आया, अब ये यहाँ मुझे सूंघ रहा है। ए क्या सूंघ रहा है, क्या सूंघ रहा है भाई? तो इनके सेंसेस अपन से भी ज़्यादा होते हैं, आप इनको हल्के में मत लेना। जो भी डॉग्स होते हैं ना उनके सेंसेस बहुत मतलब होते हैं, अपन से तो कोई 10 गुना ज़्यादा इनके सेंस होते हैं। ये देखो यहाँ पे खड़ा है, तो इसके अंदर मुझे ये लग रहा है कि इसको मतलब सेंस हो गया है कि जैसे जो तूफान की और वो कहा है ना, तो वो इसको मतलब थोड़ा सा सेंस हो गया है। देखो ये बार बार ऊपर देख रहा है, अब ये हवा चल रही है ना यहाँ पर, ये देखो पर्दा वगैरह हिलेगा अभी, और मतलब बाहर बारिश भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो इसको सब मतलब सेंस है सब। देखो ये सूंघ रहा है, मौसम हो रहा है काफी अच्छा और काफी सच्चा है ये देखो। और अब पीते हैं चाय, वही यार मतलब खाना तो सारा मतलब डाइजेस्ट हो जाता है, चाय पीते हैं जब तक मतलब बिल्कुल नींद भी नहीं उड़ती है। तो जो चाय लवर्स है प्लीज आप कमेंट करना कि हाँ। सो ये है वो शेरवानी जो हमने सुबह जो ड्राई क्लीन करवाई थी ना, जो गाड़ी के अंदर हम लेके आए थे, ये वो शेरवानी, और अच्छे से ये हो चुकी है। काफ़ी सिंपल शेरवानी है बट इसका जो कलर है वो काफ़ी सही है गर्मी के हिसाब से। सो नेटफ्लिक्स में एक और अच्छी मूवी आई है, एक्सट्रैक्शन फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट तो मैंने देख रखी थी, अब सेकंड आई है तो सेकंड भी जो है अब मैं देखना स्टार्ट करूंगा। सो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। सो मेरी घड़ी जो है वो 15 मिनट आगे है, और शाम के 7:30 बज रहे, मतलब 7:15 बज रहे हैं। और अब जो है स्कूबी को मैं थोड़ी देर के बाद में घुमाऊंगा, अभी तो नहीं घुमाऊंगा। और वही है, आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस व्लॉग के अंदर इतना ही, प्लीज़ दूसरे व्लॉग के लिए आप ज़रूर वेट करें नेक्स्ट व्लॉग के लिए। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें, एंड डू कमेंट आल्सो एंड लाइक आल्सो। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।